क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति में सक्रियता ने, राजनीति में वापसी ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है? दरअसल पिछले दिनों जब बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लालू यादव का जो बॉडी लैंग्वेज दिखा, लालू यादव का जो कॉन्फिडेंस दिखा और लालू यादव ने जो खुद को पूरी तरीके से फिट बताया, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक है। दरअसल देखिए, लालू प्रसाद यादव की पहचान सिर्फ इस रूप में नहीं हो सकती कि वो आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव की पहचान सिर्फ इस तरीके से भी नहीं हो सकती कि वो बिहार के पूर्व सीएम हैं। लालू की पहचान यह भी नहीं हो सकती कि वो देश के पूर्व रेल मंत्री रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव इस देश में सांप्रदायिक कट्टरपंथ की राजनीति के बड़े विरोधी माने जाते रहे हैं, मुखर विरोधी माने जाते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रणनीति है, लालू यादव उसके मुखालिफत करने में सबसे आगे की, सबसे अग्रणी पंक्ति के नेता माने जाते हैं। लालू यादव एक विश्वसनीय चेहरा है बीजेपी आरएसएस के विरोध की राजनीति की। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने शुरू से ही, यूं तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति शुरू हुई थी कांग्रेस की जो सरकार थी 1974 का आंदोलन, लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी की सरकार, इमरजेंसी, लालू की पहचान इसी रूप में दिखाई देती है। फिर वीपी सिंह की सरकार, लालू यादव की जनता दल के उस राजनीति में, राजीव गांधी की के दौर में एक मुखर विरोधी के तौर पर लालू सामने आए। लेकिन बाद के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई, या खास तौर से हम उस रथ यात्रा का जिक्र कर सकते हैं जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, लालू यादव की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन लालू ने इसकी परवाह नहीं की, बिहार में रथ रोका गया और उसके बाद केंद्र में सरकार गिर गई जनता दल की, वीपी सिंह की। यह सारी कहानी आपके सामने है। लेकिन बाद के दिनों में जब बीजेपी का कद बढ़ता जाता है, बीजेपी की ताकत बढ़ती जाती है और सांप्रदायिक कट्टर उन्माद की राजनीति जो है वो चरम पर पहुंचती है, लालू प्रसाद यादव उसी कांग्रेस के साथ हो जाते हैं जिस कांग्रेस के विरोध की राजनीति से लालू प्रसाद यादव बाहर निकलकर सामने आए थे, देश के सामने राजनीति के मानचित्र पर उभर कर सामने आए थे। दरअसल विपक्षी एकता की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब बिहार में पिछले साल अगस्त में नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ आए थे और बिहार में सरकार बनी थी। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार सत्ता के निशाने पर रहे। लालू यादव ने ये जो कट्टरवादी सांप्रदायिक राजनीति जो बीजेपी आरएसएस की रही है, उसकी खूब खिलाफत की। यही वजह रही कि लालू यादव को जेल भी हुई, लालू यादव को सजा भी हुई, लालू यादव इसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब होता है, किडनी का प्रत्यारोपण होता है, इसके बाद भी लालू प्रसाद यादव इस उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य की जो जटिलता है, उसके बाद भी लालू यादव एक्टिव होते हैं और उनके और उनके परिवार पर एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी की होड़ मच जाती है। क्या इनकम टैक्स, क्या सीबीआई, क्या ईडी, कोई बाकी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव का परिवार, बेटे, बहू, बेटी, किसी को नहीं बख्शा जाता। खूब छापेमारी होती है, लेकिन लालू झुकते कहाँ हैं, लालू रुकते कहाँ हैं, लालू थमते नहीं, लालू टूटते नहीं, लालू थकते नहीं। लालू प्रसाद यादव की एक अपनी अलग ही राजनीति रही है। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, लालू यादव खुद को फिट बताते हैं। अंदेशा भी जताया जा रहा है कि लालू यादव अगर खुद को फिट बताएंगे तो एक बार फिर से वो कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं, लालू यादव को पुनः जेल जाना पड़ सकता है। बिहार के कई पत्रकारों ने इस बात का खुलासा किया। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक बात यह भी तय है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक बार फिर से छापेमारी की होड़ मचेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये छापेमारी केंद्रीय एजेंसियों की खूब होगी, लेकिन लालू यादव न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। लालू यादव का अपना स्टाइल रहा है और लालू विश्वसनीय चेहरा है। नीतीश कुमार भले ही कई बार इधर से उधर हो चुके हैं, लेकिन लालू यादव हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव कांग्रेस के साथ रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में प्राइम मिनिस्टर बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, वो रामविलास पासवान के साथ हो लिए। लेकिन फिर भी जब 2009 की सरकार में आरजेडी नहीं रही, लालू उस सरकार का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन जारी रखा।
लालू यादव को कई बार दबाने की कोशिश हुई, रोकने की कोशिश हुई, लेकिन लालू रुके नहीं। और यही वजह है कि लालू भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विश्वसनीय राजनीति के प्रतीक हैं। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति में वापसी ने, राजनीति में सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता, चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यह तय है कि लालू प्रसाद यादव का जो स्टैंड है वो उस स्टैंड पर कायम रहेंगे, और यही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।